दोस्तों, वे प्रोटीन का आपको मैंने कल बताया और आज बात करते हैं क्रिएटिन की। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके आते हैं। सबसे पहले देखो क्रिएटिन का काम क्या है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाने के बाद एटीपी में कन्वर्ट होकर आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है, आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म में जाके जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं 3 से 4 महीने तो ये आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये मसल के अंदर ज़्यादा वाटर रिटेन भी करता है, आपके सेल को मसल सेल को वॉल्यूमाइज करके, और वो सेल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एनाबॉलिक इफेक्ट बॉडी में बढ़ जाता है, उसी से आपका मसल मास और स्ट्रेंथ गेन होता है। ये तो बात होगी क्रिएटिन लेते क्यों है। क्रिएटिन आपको लेना कब है, देखो ये 2-3 चॉइस आपके पास। आप बिफोर वर्कआउट ले सकते हैं, 40 मिनट बिफोर वर्कआउट 5 ग्राम क्रिएटिन। इसको अगर ग्लूकोज के साथ मिक्स करेंगे आप या ग्रेप फ्रूट के साथ, ग्रेप जूस के साथ, तो इसकी डिलीवरी बेटर हो जाएगी, जल्दी भी हो जाएगी, आपको पूरे वर्कआउट में आपको एनर्जी भी देगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। आप इसको पोस्ट वर्कआउट भी रिकवरी फेज में यूज़ कर सकते हैं, पहले ना लेके आप बाद में ले सकते हैं। बाद में लेना है अगर तो अपने प्रोटीन में ही डाल के इसको 5 ग्राम आप ले सकते हैं, या 3 ग्राम बिफोर वर्कआउट और 3 ग्राम आफ्टर वर्कआउट आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। बहुत लोग लोडिंग भी करते हैं क्रिएटिन की, 5 दिन तक 20-20 ग्राम डेली। मैं अपने एथलीट्स को नहीं कराता, ना मैंने खुद कभी क्रिएटिन लोडिंग की, ओवर द टाइम ये आपकी बॉडी में खुद ही लोड हो जाएगा और आपको उतना ही बेनिफिट देगा। तीसरा, फिर क्रिएटिन आप कटिंग फेज में या गेनिंग में यूज़ करें, ये बड़ा आपके डिबेट रहता है। आप क्रिएटिन को अपने गेनिंग फेज में भी यूज़ कर सकते हैं और कटिंग फेज में भी, क्योंकि क्रिएटिन आपको ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कराएगा, आपका स्ट्रेंथ लेवल अप रखेगा, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट रखेगा, तो आप दोनों फेज में ले सकते हैं। हाँ, आप किसी कॉन्टेस्ट में जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग के स्टेज में जाना है आपने, तो 3 या 4 वीक पहले आप क्रिएटिन को छोड़ सकते हैं, उससे आपका ऑन स्टेज जो हार्डनेस है वो बेटर हो जाएगी। तो इसको लेना किस में, पानी में या जूस में, वो मैंने बता ही दिया है। अगर आप बिफोर वर्कआउट लेते हैं जूस में या ग्लूकोज के साथ लेना है, क्वांटिटी भी मैंने बता दिया है, कब लेना ये भी बात होगी है, कितने दिन तक इसको रेगुलर यूज़ करें, तो 3 से 4 महीने आप रेगुलर यूज़ करके 4 से 6 वीक का ब्रेक कर दें, फिर दोबारा ले सकते हैं। थैंक यू।